एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक दानपुर में स्थित अकबरपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 60 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने पवन कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2500 की आबादी एवं 1400 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 294 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 62 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व एलईडी लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, तालाब व पंचायत घर का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 34 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान अकबरपुर विकास खंड दानपुर जनपद बुलंदशहर, और मैंने 7-8 इंटरलॉकिंग वाली रास्ता करा दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास की हमें अति आवश्यकता है और फिलहाल में अभी मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो अगर हो सके तो हमें मुख्यमंत्री आवास योजना और मिल जाए तो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पे पंचायत घर और ये आंगनवाड़ी अभी ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह करा दी है हमने और नल वगैरह लगा दी है, 4-5 नलों की और आवश्यकता है। और शमशान घाट में हमें बाउंड्री की और प्रेस टीन सेट की भी आवश्यकता है, और आपके एक बरात घर गांव के अंदर एक भी बरात घर नहीं है, अगर बरात घर मिल जाता है तो और अच्छी बात है।